फर्स्ट पार्ट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। और सेकेंड पार्ट फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू मीन पोजिशन। विथ डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू मीन पोजिशन, याद है तो लिखा है एक पार्टिकल SHM में है। ध्यान देना है, एक पार्टिकल किसमें है? SHM में, जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है KE मैक्स दिया हुआ है, और KE मैक्स होता है ऑसिलेशन एनर्जी के बराबर। KE मैक्स कितना होता है? तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू टू हाँ दिया हुआ है। हाफ एम कितना है? 20 ग्राम, मतलब 20 × 10⁻³। ओमेगा टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड है तो ओमेगा कितना होगा? पाई होगा। ओमेगा कितना होगा? पाई। तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब पाई स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू टू। पाई स्क्वायर 10 के बराबर होता है, लेकिन पाई के टर्म में अगर लिखना है तो आप इसको ऐसा करिए, 2 से इसको काट दीजिए तो 10 हो गया, और ये हो गया 10⁻²। पाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू टू, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2 × 10⁻²। तो ए हो जाएगा 10⁻¹, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10√2/π। या तुम जो कह रहे हो वो भी सही है, 20√2 कह रहे हो ना, तो 20√2 कहे या 10√2 कहे, बात एक ही है। दूसरा पार्ट क्या है इसमें? पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिखना है, ध्यान दो इधर। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें यू नॉट नहीं जोड़ता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में यू नॉट जोड़ना जरूरी है। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, तो पता है कितना हो गया, हाफ 10⁻¹ कितना ग्राम था? 20 ग्राम। वन बाई टू 20 ग्राम, और ओमेगा स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। यू नॉट कितना होगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना दिया है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होता है? ऑसिलेशन एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट, एन होगा टोटल। इतना तो ऑसिलेट हो रहा है और ये तो आप शुरू में दिए थे, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है? 0। और इसका वैल्यू कितना है? 2 जूल। यही तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो 2 जूल प्लस यू नॉट। तो यू नॉट कितना है? -2। यू नॉट का वैल्यू लिख दो -2। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हो जाएगा, ये कट गया, 10⁻²− 2 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2। ये आंसर लिखिए, लिखा है U इक्वल टू यू नॉट, यू नॉट माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है, बताना है कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल।
कैलकुलेट फोर्स कॉन्स्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल. इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन अगर क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला होगा. और एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, मतलब ऑसिलेशन होगा. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद ऑसिलेशन होगा. बोलो ना, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो देखो, ध्यान से देखना यार, ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया रहेगा, तुमको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी अगर दिया है तो फोर्स निकाल सकते हो. कौ बरसों से यही तो निकालते आए हैं, ये कई फॉर्मूला तो पूरे फिजिक्स में है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स. यू किसका फंक्शन है? एक्स का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस डिफरेंशिएशन, ये फोर्स होगा. और फील्ड क्या होगा? तो कौ सर माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है. फोर्स पर यूनिट मास को फील्ड करते हैं, अगर ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स पर यूनिट चार्ज को फील्ड करते हैं, हमको भी फोर्स निकालना है. बोलो, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस ऑफ इसका बोलो माइनस ए प्लस टू बी एक्स. तो माइनस टू बी को कॉमन ले लो, टोबी को क्या ले लो कॉमन, तो बचेगा कितना एक्स माइनस ए बाई टोबी. बोलो समझ आया? नहीं बोल रहे कुछ? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस टोबी बाई एम एक्स माइनस ए बाई टोबी. देखो तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड है. ये मोशन एस एच एम है कि एच एम है? देखते बोलना चाहिए अब तुम लोगों को. इसका ओरिजिन से मीन पोजीशन कितना दूर है? ये सब ऑब्जेक्टिव है, इसमें तीन चार लिखा हुआ था, हम लिखे नहीं कुछ. इसमें बोलो ओरिजिन से मीन पोजीशन कितना दूर है? ए बाई टू बी. इसका टाइम पीरियड कितना होगा? ये ओमेगा स्क्वायर है जी, तो टाइम पीरियड टू पाई बाई ओमेगा, टू पाई. फ्रीक्वेंसी कितना होगा? वन बाय टाइम पीरियड, वन बाय टू पाई टू बी बाय एम का अंडर. तो क्या पूछा गया था? फ्रीक्वेंसी. और क्या फोर्स कांस्टेंट का क्या मतलब? जितना भी एसएचएम है उस सबको हम लोग स्प्रिंग मास में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं. तो भाई इसके लिए ओमेगा तुम निकाल दिए, ओमेगा है कितने के बराबर? टू बी बाय एम का अंडर रूट. तो स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ओमेगा कितना होता है? के बाय एम का. जैसे लास्ट टाइम हम लोग इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम निकाल रहे थे ना, लास्ट टाइम इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ, जब एंगुलर एसएचएम होता है तो उसको हम लोग सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं, और जब लीनियर एसएचएम होता है तो उसको हम लोग स्प्रिंग मास में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं. तो अगर ओमेगा किसी सिस्टम का दिया है तो उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना होगा? तो ओमेगा को किससे इक्वेट कर देंगे? के बाई एम का अंडर रूट. किसे इक्वेट करेंगे? तो बोलो के कितना हो गया? ये दो आंसर है जो कि अभी पूछा गया है, ये